किरण, क्या राय होगी एक्सपो इंडिया पे? एक्सप्रो इंटर में मुझे लगता है कि इधर से और भी बढ़त, जैसे आपने कहा, बिल्कुल देखने को मिल जानी चाहिए। नेक्स्ट टारगेट के तौर पे 68-69 के लेवल्स आपको इमीडिएट देखने को मिल जाने चाहिए। ये जो लेवल्स मैं बात कर रहा हूँ 68-69 के, ये अगर हम सारे मंथली क्लोजेस लेते हैं तो वही एक रेजिस्टेंस के तौर पर खरा उतरेगा। पर मेरा मानना है कि ये इजिली 68-70 के लेवल्स क्रॉस करने की क्षमता रखता है, तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सही चॉइस रहेगी। सीधे तौर पर किरण भी मानते हुए कि शेयर में अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है, 68-69 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। अभी भी शेयर देखिए दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही कारोबार कर रहा है। और भी आज कुछ स्टॉक्स देखिए जहां तेजी देखने को मिल रही है। कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए किरण, वहां तेजी देखने को मिली है। हमने देखा है बीते कुछ दिनों से लगातार इस सेक्टर में खरीदारी देखने को मिली, छोटे मझोले स्टॉक्स जो है आउट परफॉर्म कर रहे हैं। आज भी देखिए MBL इंफ्रा, जय कुमार इंफ्रा जैसे स्टॉक्स, सुप्रीम इंफ्रा जैसे स्टॉक्स है जो अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। क्या इन स्टॉक्स में से किसी शेयर को आप पसंद करेंगे या आपको लगता है कि इसके अलावा और भी कई से स्टॉक्स हैं जो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं? मुझे लगता है जो आपने MBL इंफ्रा, जय कुमार इंफ्रा की बात की, तो जय कुमार इंफ्रा पे आपकी नजर होनी चाहिए, जहां पे एक थोड़ी सी अप मूव आपको देखने को मिल सकती है। करीबन 7-8% की मूव आपको देखने को जरूर मिलनी चाहिए जिस तरीके के चार्ट पैटर्न है। तो कहने के जय कुमार इंफ्रा में हमको लगता है कि और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। अभी भी देखिए तमाम इंफ्रा स्टॉक्स जो दिन के ऊपर स्तर के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा आज के ट्रेड में देखिए कुछ एक और स्टॉक जहां खरीदारी देखने को मिले, छोटा सेक्टर है रिटेल शेयर में, देखिए आज खरीदारी देखने को मिली है। ट्रेंट, कैंटाबल रिटेल, फ्यूचर रिटेल जैसे स्टॉक्स हैं जो आज के ट्रेड में मजबूती दिखा रहे हैं। खासतौर पर ट्रेंट में देखिए आज वॉल्यूम भी थोड़ा सर्ज हुआ है। हम देखते हैं समान तौर पर इन शेयर में वॉल्यूम की दिक्कत होती है हमेशा किरण, जब वॉल्यूम आता है तो एक अच्छी तेजी। क्या आप सिर्फ इसमें मुनाफा वसूली की सलाह देंगे या आपको लगता है कि नहीं तेजी थोड़ी जेन्यून है और तेजी और भी देखने को मिल सकती है? पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन से एक रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा है, 225 ऑन द लोअर साइड, 245 ऑन द हायर साइड, इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम्स नीचे से अच्छा रहे तो मेरा मानना है कि अभी प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह नहीं होगी। मैं जिनके पास है उनके ट्रेडिंग स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा, 220 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होगा, अभी 229 पे ट्रेड कर रहा है। पर नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल 242 है, अगर 242 के ऊपर चला जाए तब एक अच्छी मूव स्टॉक में देखने को मिल जाएगी, तभी ये स्टॉक में एक आपको नजर रखनी चाहिए।